जिठिया साहब को सवाल करता कि क्या सुधीर कुमार सूरी दे विचार ठीक नहीं सी उदे वास्ते उन्हां दा कतल कर देना ठीक है। मजीठिया साहब यू टर्न बहुत लेंदे ने ना, 20-20 मिनट थले आके बैठे रहे, बाहर खड़े रहे कि असी बुला लिए, इन्हां दे पीए सानू फोन करदे रहे कि तुसी मजीठिया साहब आ रहे ने उन्हां दा स्वागत करो, असी इनकार कर दिता। साडा सामने साईं बाबा जी दा मंदिर बनाया, उहदे अंदर मत्था टेकन गए, बिल्कुल अंदर गए, इन्हां नूं पुछो गए कि नहीं, फिर हाथी असी बुलाया दा सी, उस हाथी दे इन्हां ने मत्थे टेके, बिल्कुल जमीन ते झुक के मत्थे टेके, ये सारा कुछ ते करदे रहे ने। और इन्हां नूं ए पुछो कि क्या शिवाला कलोनी मुसलमगंज तिलक नगर हर एक घर च गए सी है कि विक्रम सिंह मजीठिया एक गलत मैसेज समाज नूं दे रहे ने, जिहदे नाल आने वाले टाइम दे विच बहुत नौजवान भटक जाएंगे, जिहड़े अज सीधे रस्ते चल रहे ने वो भटक जाएंगे। तो जिहड़ा साडा परिवार दा साडे बंदियां दा साडी फैमिली दा नुकसान है वह कौन भरेगा? वो तो दुकान का नुकसान जिहड़ा 10-20 लाख या 15 लाख 50 लाख जो भी वट एवर जो भी अमाउंट है वो तो फिर कवर हो जाएगा। इंसान नूं जिहड़ा मारिया गया वो नुकसान कौन भरे? मजीठिया साहब भरनगे? सुधीर सूरी मामले दे विच कल एक प्रैस कॉन्फ्रेंस विक्रम सिंह मजीठिया वालों की गई सी, जिसके उन्होंने मांग की सी कि जिन्हां ने कि सुधीर सूरी की मौत तो बाद जिहड़ा है उन्होंने दुकान में अग लाई सी उस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए, तो साडे नाल इस वक्त उन्होंने परिवारक मैंबर मौजूद ने। तो उन्होंने कहा कि जिहड़े कि मैं सुधीर सूरी दे पहली गल ते विचारधारा नाल सहमत नहीं सी, क्योंकि वह जिहड़ा बोल बोलते सी वह चंगा नहीं सी, वह आपसी भाईचारक साझ नूं तोड़दा सी। की कहना चाहोगे विक्रम मजीठिया दे इस बयान? देखो, आपसी भाईचारा या आपसी विचारां दा टकराव होना कोई वड्डी गल नहीं है। एक पार्टी हुंदी है, उहदे च दो नेता हुंदे ने, उहनां च वी आपसी विचार जिहड़े ने नहीं इक बैठदे, पर उहनां विचारां करके किसे दा कतल कर देना क्या है ठीक है? मजीठिया साहब को सवाल करदा कि क्या सुधीर कुमार सूरी दे विचार ठीक नहीं सी उहदे वास्ते उन्हों का कतल कर देना ठीक है? पहली गल तो उन्होंने विचार गलत कितों से पहले तो मैं यह दसन, बिल्कुल ठीक विचार रहे उन्होंने? जे इन्हों गलत लगते हैं मैं मनदा कि चलो इन्हों गलत लगे, क्यों लगे मैनू नहीं पता, पर क्या विचार किसी के आपस ना मिलन तो वो हत्या कर दो, उन्होंने गोली मार दो, कानून अपने हाथ चलो तो उन्होंने मार दो। कहते जी कि सिख धर्म बारे बहुत गलत बोलते, मैं तुहानू की कह रहा कि विचारां दी लड़ाई विचारां नाल हुंदी है, कतल करके नहीं हुंदी। तो दूसरा उन्होंने वालों कल कहा गया कि जिहड़ा हैगा कि मैं इलेक्शन दिनां दे विच उन्हां दे घर जाना चाहुंदा सी पर मैं नहीं गया क्योंकि मैं उन्हां दे विचारां तों सहमत नहीं। मजीठिया साहब यू टर्न बहुत लैंदे ने ना, 20-20 मिनट थले आके बैठे रहे, बाहर खड़े रहे कि असी बुला लिए, इन्हां दे पीए सानू फोन करदे रहे कि तुसी मजीठिया साहब आ रहे ने उन्हां दा स्वागत करो, असी इनकार कर दिता। साडा सामने साईं बाबा जी दा मंदिर बनाया, उहदे अंदर मत्था टेकन गए, बिल्कुल अंदर गए, इन्हां नूं पुछो गए कि नहीं, फिर हाथी असी बुलाया दा सी, उस हाथी दे इन्हां ने मत्थे टेके, बिल्कुल जमीन ते झुक के मत्थे टेके, ये सारा कुछ ते करदे रहे ने। और इन्हां नूं ए पुछो कि क्या शिवाला कलोनी मुसलमगंज तिलक नगर हर एक घर च गए सी है? जे गल करदे कि मैं एक ए पर्टिकुलर इस घर च नहीं गया, ये तो हजारां घरां च नहीं गए, ये तो सिर्फ दो घरां च गए जिन्हां नूं इन्हां ने पैसा दिता दा सी कि नॉन वेज खवाओ, इत्थे बड़ियां मौजां लगियां रहियां लोकां नूं, सूट वंडे गए ने, शराबां वंडियां गईआं और बड़ा नॉन वेज वंडिया गया और बड़ा पैसा जिहड़ा इन्हां ने दिता है वह कई लोग खा भी गए ने, कल्पते भी रहे ने। पर एक और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो परिवारक मैंबर से संदीप सिंह इन्हां दे, वह कहते कि जो उस तरह जा जो भी उत्थे कतलेआम होया तो उस तो बाद जिहड़ा है साडी दुकान नूं अग दे हवाले कर दिता गया, उसकी जिहड़े है वह लोग ने उन्होंने बकायदा तौर पर कुछ अपशब्द भी जिहड़े कहे उहदे करके वह चाहते कि इहदे ते परचा दर्ज किया जाए। देखो, जदों एक कतल हुंदा है तो उस बंदे का समर्थन करने वाले लोग जिहड़े उहदे फॉलोवर्स ने वो की करते हैं, भीड़ की करती है ये सानू पता नहीं चल सकता। और
किन्ने किया क्यों किया सारा जांच का विषय है प्रशासन देखेगा। तो पर बिक्रम जीठिया वालों जे जिस तरीके उन्होंने हिमायत उन्होंने कहा कि मैं इन्हों सपोर्ट भी कर दाँगा। मैं यही तो कह रहा कि बिक्रम सिंह मजीठिया एक गलत मैसेज समाज को दे रहे हैं जिदे नाल आने वाले टाइम दे विच बहुत नौजवान भटक जाएंगे जेडे अज सीधे रस्ते चल रहे हैं वह भटक जाएंगे और उन्होंने भटकन तो बाद प्रशासन ते सरकार नू बड़ी मुश्किल आने वाली है। मैं ऐसे गल नू बार बार दोहरा रहा पर एको गल बार बार कह रहे कि आपसी भाईचारक सांझ कायम सी ते कायम रहेगी और उन्होंने बनाने वास्ते कहते जी वो चंद असी इत्थे खड़े हुए हैं कि साड़ी जिहड़ी सांझ है हिंदू सिख समाज की आपस वो कदी ना टुटे। जीठिया साहब नू सवाल करो कि सांझ किस तरह रहेगी। मैं आप इच्छुक हाँ कि सांझ रहे पर किस तरह रहेगी जिस तरह के बयान दे के जिहड़ा कतल कर रहा है एक आतंकवादी कतल कर रहा है और आप उस आतंकवादी को समर्थन दे रहे हैं उस परिवार के सर सिर के उत्ते जाके हाथ रख रहे हैं अपनी वड्डिया वड्डिया गल्लां कर रहे हैं उहदे नाल तो एक गलत मैसेज दे रहे हैं आप। उहदा मैसेज गलत हिंदुओं भी जा रहा सिखां भी जा रहा तो सांझ रहेगी किंज। चलो कहते कि जिहड़े परिवार से उन्होंने कहा कि असीं हिंदू डोमीनेटेड एरिया काम कर रहे हैं साडा तो इदां दा कोई है ही नहीं कि साडा कि हिंदू परिवार दे नाल किसी तरह कोई वखरेवा है ही नहीं। कोई मैनूं अमृतसर च कोई ऐसा एरिया दसो जिहड़ा कल्ला हिंदुओं का होवे ते जां कल्ला सिखां दा होवे। ये तो वंड पाने वाली गल्लां ना कि आप हिंदू एरिया च काम कर रहे हैं इस तरह का कुछ नहीं है। हिंदू सिख एक सी एक रहनगे पर आप जे उन्होंने रहन देंगे तो कौन बखलावट कौन लैके आ रहा ये नेता लिया रहे हैं सामने अमृतपाल सिंह जी लिया रहे ने मजिठिया साहब भी आ गए उस लड़ाई च अमृतपाल सिंह को डरते हुए उस लड़ाई च आ गए। कहते मैं अमृतपाल के खिलाफ खिलाफ ने या नहीं ये उन्होंने बयान तो तुम भी आइडिया लगा सकते हो यू आर ए मीडिया परसन। डायरेक्ट नाम नहीं ले डायरेक्ट नाम नहीं ले रहे डायरेक्ट है कह रहे कि मैं डुप्लीकेट की गल कर रहा बिल्कुल। तो दूसरे को उन्होंने कहा कि सू जान तो मारा धमकियां मिल रही हैं फैमिली नू जो मिल रही है तो उन्होंने गवर्नमेंट वेखेगी गवर्नमेंट उन्होंने सिक्योरिटी देगी। उन्होंने सिक्योरिटी की मांग भी की कहते तो परिवार सिक्योरिटी उन्होंने देनी चाहिए अगर कोई यहोजी है तो उन्होंने जरूर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो बिक्रम जीठिया वालों जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तुम उन्होंने किस तरह देखते हो। बड़ी गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी वो तो यूथ न खराब करने वाली गल है हिंदू सिख विच पाड़ पाने वाली गल है कि जिस तरह वो मैनेज कर रहे हैं जिस तरह वो कह रहे हैं कि तुम मर्डर करो तो असं तुहाडी सपोर्ट कर रहे हैं वो तो डायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं लोगों को। कह रहे हैं कि मैं उन्होंने सपोर्ट नहीं मैं तो जी उन्होंने नुकसान होया क्योंकि कुछ वीडियोज भी उन्होंने साझिया की जिसे देख रहे कि कुछ लोग जो ने अग लगा के दुकान में अग लगा रहे हैं सिर्फ एक दुकान में साड़न का नुकसान वेख रहे हो जिहड़ा साडा परिवार का साडे बंदियां का साडी फैमिली का नुकसान है वह कौन भरेगा। वो तो दुकान का नुकसान जिहड़ा 10-20 लाख या 15 लाख 50 लाख जो भी वटएवर जो भी अमाउंट है वो तो फिर कवर हो जाएगा। इंसान नू जिहड़ा मारिया गया वो नुकसान कौन पर मजीठिया साहब भरनगे उन्होंने बदले कोई जान लैणगे। उन्होंने मैसेज दो कि तुम उन्होंने नुकसान साडा भी नुकसान भर दो अं चुप रह जाते असी कोई जवाब ही नहीं करते सवाल ही नहीं करते तो दो साडा कोई नुकसान पूरा करके दो भर सकता कोई नुकसान है वाला असी चुप बैठे हाँ असी चुप करके ए नहीं कि मतलब कि हर कोई बंदा आए तो जो मर्जी बोल जाए तो उन्होंने अपनी इस चीज़ बारे सोचना चाहिए कि तुसी नेता हो तुसी अकाली दल तो हो तुसी अकाली दल नू प्रमोट कर रहे हो तुसी एहो जे मैसेज ना दो कि अगों तुहानू वोट ना पवे। तो की समझ दो कि राजनीतिक मंशा सी कि एक उन्होंने जी दिल की आवाज़ सी जिहड़ी उन्होंने बार नहीं जी यह राजनीतिक मंशा है जी अमृतपाल ने उन्होंने मैसेज डायरैक्टली दिता तेरी नशे की दुकाना बंद करावे तो भजे भजे इधर आ गए कि हूँ असं सपोर्ट करते हैं जी अमृतपाल आते उन्होंने कट्ठ वेख के। तो तुम हम तो डिमांड की है क्योंकि कल जिस तरह की डिमांड ऑलरेडी लिखी हुई है सारे प्रेस नोट वगैरह देती हुई है जो कुछ होएगा सब कुछ तुम इनफॉर्म कर दिया जाए। तो सर थोड़ा नैक्सट एक्शन की है नैक्सट एक्शन यही है जी आप जो फादर साहब ने जो राह सानू दसी है धर्म की वो आपू कंटिन्यू करांगे सारे फैमिली मैंबर सारे साढ़े शिवसेना टकसाली का परिवार सब नाल है सारे नाल चलांगे आप बस यह तुम्हें कहना चाहवा। तो बिल्कुल उन्होंने वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि असी भाईचारक सांझ के हक चाह भाईचारा सांझ के हक दे इंज हक दे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इंज तरह के हक बच्चे अगे की गल्ला कर रहे हो की गल्ला कर रहे हैं जी। उल्टा सरकार जी है कि इसनों खेरू खेरू करना चाहती है पर मैं जरा है विच बन के आया वा तो मैं नहीं चाहता कि कोई हिंदू सिख आपस किसी तरह का कोई भी इन्हें दरार पवे। भाई साहब एक बंदा खून करके आता है
उन्होंने फैमिली मैंबर उत्थे जाते हैं तो उन्होंने प्रमोट कर रहे इस तरह एक दूजे को जोड़ना चाहते ए बड़ा गलत मैसेज दे रहे यह बहुत गलत मैसेज है उन्होंने यो ही कहना चाहवागा मजीठिया साहब ताड़िया दुकाना बंद हो गई वै उन्हें प्लीज़ शट डाउन रहन देवो उन्होंने ना खोलो पंजाब अगे बहुत सड़िया जे उन्होंने होर ना सड़ो जिस तरीके हूँ मामला अदालत है तो समझो कि इस तरीके जोड़ा है कि जी सवाल उठाए गए हैं वो कि जाएंगे मामला जुडिशल वेख रही है जी जुडिशल का जो हक होएगा जो ऑर्डर करेंगे असं सिर मत्थे हैं बट यह वेखना चाहिए मजीठिया साहब ने कि चीज़ा जो बयानबाजी हो रही है उन्होंने वेख के चलन क्योंकि पंजाब ऑलरेडी जलदा पाया कि यह मर्डर तो बाद जेड़े संदीप ने किया वह काम उस तो बाद पंजाब का माहौल बहुत ज़्यादा खराब है आने वाले टाइम के होर खराब होने वाला है कि सरकार की चाहदियां ने कि होर मर्डर होन तो होर बंदे मारे जान जी शुक्रिया तो सन सुधीर सूरी का परिवार जिन्होंने गलबात की है तो उन्होंने बिक्रम सिंह मजीठिया वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिता उन्होंने कहा कि बिक्रम मजीठिया जिहड़े ने राजनीति कर रहे हैं और आपसी भाईचारक सांझ नूं तोड़न की गल कर रहे उन्होंने कहा कि जिस तरीके दे नाल जो वीडियो सांझी की जा रही हैं या उन्होंने जिहड़े तर्क रखे गए हैं वो बिल्कुल गलत ने फिलहाल उन्होंने सीधे तौर पर बिक्रम मजीठिया की आलोचना करते हुए नजर आए हैं कैमरामैन अजय सुमित खन्ना ग्रेट पंजाब टीवी अमृतसर।